इधर सीएमपीडीआई में कुल अधिकारियों के साथ मंत्री प्रहलाद जोशी बैठक करने पहुंचे। वहीं अमर बाउरी, जयप्रकाश भाई पटेल और रणधीर सिंह ने भी कोयला मंत्री से मुलाकात की। चंदनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पर्वतपुर कोल ब्लॉक जो पहले एक्टो स्टील को था, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बीसीसीएल के कस्टोडियन में चल गया। उस कोल ब्लॉक को वापस शुरू कराने की दिशा में जो बीसीसीएल प्रारंभ प्रयास कर रहा है, उसको तेजी लाने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया। साथ ही साथ खेल गांव में जो हम लोगों ने पिछले सरकार में बच्चों को सीसीएल के माध्यम से एकोमोडेट करके उनके फूडिंग, उनके लॉजिंग, उनके एडुकेशन के साथ 2024 ओलंपिक को ध्यान में रखकर जो तैयारी कर रहे थे उसे और गति देना, उसको और बेहतर करना, इस दिशा में हम लोगों ने मांग करी। साथ विभिन्न जगहों पर रोड सेल संचालित है, उस रोड सेल पर इनके मतलब सीसीएल के जीएम, पीओ और जिला प्रशासन के मदद से भारी अवैध असूली मजदूरों के नाम पर होता है। हमने कहा कि वो सारा पैसा, मजदूरों का जो पैसा, वो काउंटर के माध्यम से मिले ताकि मजदूर के हाथ में सीधा पैसा जाए, ना कि सीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन खा जाए। मेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ईसीएल माइंस है, ऐसी माइंस क्षेत्र आपको मेरे अंतर्गत में है, वहाँ पे मेरे क्षेत्र में। और हमारे यहाँ जो बासीनाथ से चित्रा रेल लाइन रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दी है, हमने कोयला मंत्री जी से मिलकर उनसे ये कहा कि जो बासीनाथ से चित्रा रेल लाइन स्वीकृत हुए हैं उसके लिए ईसीएल प्रबंधन पैसा जो 50% ईसीएल प्रबंधन को लगाना है वो पीछे हट रही है। तो आप